Hello student, welcome back to Pavan Group of School. Myself Wrinkle Sondagar. Today I am going to teach you standard 4th subject English, unit number 8. The unit name is and chapter number 1 is book. So student, आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही प्यारी सी poem, बहुत ही छोटी सी और प्यारी सी poem है जिसका नाम क्या है, books, किताबें. So let's start book. Read and learn this poem. पढ़ो और learn करो. Come in, come in, said the library door. I opened it wide and I saw books galore. Tall skinny books up high on the shelves. Little fat books that stood by themselves. I opened once up and I sat down to look. The picture told stories and what a wonderful book. So यहाँ पर book के बारे में story है. So first क्या कह रही है, first answer में कम इन कम इन सेट द लाइब्रेरी डोर. लाइब्रेरी डोर है, क्या कह रहा है, कम आओ आओ अंदर आओ. आई ओपन इट वाइड, मैंने उसे ओपन वाइड कर दिया है, खोल दिया है. एंड सो बुक्स गैलोर, सो एंड देखो बुक्स बहुत सारी, जो बुक का शेल्फ है वहाँ पर क्या है, गैलोर का मतलब है काफ़ी बहुत ज़्यादा मात्रा में उस पे किताब रखी हुई है. टॉल स्किनी बुक्स अप हाई ऑन द शेल्फ्स एंड लिटिल फैट बुक्स दैट स्टूड बाय देमसेल्फ्स. जो टॉल स्किनी मतलब जो बड़ी सी लंबी सी और स्किनी का मतलब पतली सी जो बुक्स है वो अप हाई ऑन द शेल्फ्स, जो शेल्फ्स का मतलब है अलमारियाँ, जो बुक रखने का यहाँ पर हमें पिक्चर में दिख रहा है, यहाँ पर क्या हमें रखा है, बुक रखी है शेल्फ्स में, जो उसका ऊपर का भाग है वहाँ पर क्या है, टॉल स्किनी बुक रखी गई है, पतली सी बुक. एंड लिटिल फैट बुक्स दैट स्टूड बाय देमसेल्फ, जो छोटी और बड़ी बुक है, बड़ी मोटी सी बुक, वो स्टूड बाय देमसेल्फ, वो अपने आप ही खड़ी रह सकती है, और जो पतली सी बुक है वो उसको क्या चाहिए, अपने आप वो खड़ी नहीं रह सकती, उसे क्या किया गया है, बुक में ऊपर रखा गया है. आई ओपन वन अप एंड सेट डाउन टू लुक, मैंने एक बुक को क्या किया, ओपन किया और मैं उसे पढ़ने के लिए बैठ गया, उसे देखने लगा. द पिक्चर्स टोल्ड स्टोरीज, जो उस बुक में जो पिक्चर्स है वो क्या है, स्टोरी बता रहे हैं. एंड व्हाट अ वंडरफुल बुक्स, वाओ कितनी अमेजिंग बुक है, कितनी अद्भुत बुक है. सो इट्स बुक स्टोरी को हम फिर से एक बार रिवाइज करेंगे. जो यहाँ पर बच्चे हैं हमें दिख रहे हैं, स्टोरी पढ़ रहे हैं, इस किताब में पिक्चर की स्टोरी है वो पढ़ रहे हैं, और ये क्या है, अलमारियाँ है शेल से बुक रखने के लिए. ओके सो लेट्स स्टार्ट, हम फिर से रिवाइज करेंगे इस स्टोरी को. Come in, said the library door. I open it wide and saw books galore. Library door क्या कहता है, आओ आओ अंदर आओ, मैंने जो दरवाज़ा है खोल दिया है. And देखो कितनी ज़्यादा मात्रा में, galore का मतलब है काफ़ी मात्रा में books होना, ठीक है. तो tall skinny books up high on the shelves. Little fat books that stood by themselves. जो बड़ी सी लंबी सी जो पतली सी बुक्स है वो शेल में ऊपर रखी गई है. एंड जो छोटी सी फैट मतलब मोटी सी जो बुक है
वो कहाँ पर रखी गई, वो अपने आप पर, हिमसेल्फ का मतलब है अपने आप खड़ी हुई है। आई ओपन वन अप एंड सेट डाउन टू लुक, मैंने एक बुक को क्या किया है, ओपन किया है एंड सेट डाउन टू लुक, और उसे देखने के लिए मैं बैठ गया हूँ। द पिक्चर्स टोल्ड अ स्टोरी, जो बुक में जो पिक्चर है वो क्या बता रही है, हमें दिखा रहे स्टोरी दिखा रहे। एंड वॉट अ वंडरफुल बुक, क्या कह रहे हैं, वॉट अ वंडरफुल बुक, कितनी अमेजिंग, कितनी अद्भुत बुक है जो हमें क्या दिखा रही है, बहुत ही पिक्चर में हमें स्टोरी बता रही है। और जो पतली सी बुक है वो क्या करे, अपने आप नहीं खड़ी रह सकती, और जो मोटी सी बुक है उसे अपने आप खड़ी रहती है। एंड हम लास्ट में क्या देखेंगे, न्यू वर्ड्स देखेंगे, लाइब्रेरी, वाइड, गैलोर, स्किनी, शेल्फ्स, वंडरफुल। सो लाइब्रेरी का मतलब पता ही होगा, लाइब्रेरी जहाँ पर हम बुक सकते हैं, वाइड का मतलब खुला रखना, एंड गैलोर, गैलोर का मतलब यहाँ पर ये क्या है हमारे लिए, हमने कभी नहीं सुना होगा, ये पहली बार वर्ड्स हमने सुना है, क्या है गैलोर, गैलोर का मतलब है ज़्यादा मात्रा में या फिर काफ़ी, क्या है काफ़ी। एंड स्किनी का मतलब क्या है, पतली, शेल्फ का मतलब क्या है, अलमारियाँ, वंडरफुल का मतलब है अद्भुत। सो आपको क्या करना है, न्यू वर्ड्स को अपनी नोटबुक में अच्छे से गुड हैंडराइटिंग में लिख देना है। सो यहाँ पर हमारा जो पोयम है फिनिश होती है, बहुत ही छोटी सी और प्यारी सी पोयम थी। थैंक यू।